लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत से लात पड़ी। The court unanimously found that it had jurisdiction on the matter and by a vote of 15-1 pronounced on other key aspects of the case. The sole dissenting judge was from Pakistan. अपने घर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जो 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 नीति हमने अपनाई है उस नीति का दबाव पाकिस्तान पर है। अगर उसने कुछ किया भी है तो दबाव में आकर के किया है, कोई नीयत से दिल से उसने ऐसा नहीं किया है, तो मुझे अभी भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर। पाकिस्तान और इमरान खान को आतंक और आतंकवादियों पर सिर्फ दिखावे का नाटक नहीं करना होगा बल्कि उनको सजा दिलाना पड़ेगा। खालिस्तानी फितूर के मामले में बेलिबास हुआ। ये जो गोपाल सिंह चावला और उनके अमरीश सिंह और ये जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं, ये भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं पाकिस्तान के मीटिंग्स में। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन मात पे मात उस कथित लात से भी ज्यादा असरदार है। और पाकिस्तान जैसे देश को भी मानना ही पड़ेगा, जिस तरह की इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना उसे करना पड़ रहा है, जिस तरह वो अलग थलग पड़ चुका है, जैसे आतंकियों पर एक्शन के लिए वो मजबूर हुआ है, उसे ये साफ है कि पाकिस्तान पर मोदी की कूटनीति ही सबसे कारगर है। मोदी नीति के डॉक्टर ने आतंकी वायरस से बीमार पाकिस्तान को इलाज के बाद एक तगड़े डोज देना शुरू किया है तो वो छटपटा रहा। बौखलाहट में सरहद पर मोर्टार के मोर्चे खोल रहा है। जिस इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, काफी दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है। ये जो पहाड़ी है वो ठीक वो पहाड़ी वहीं पर जो है नियंत्रण रेखा है, और वहीं से जो है पाकिस्तान मोर्टार शेल जो है यहाँ पर रिहायशी इलाकों में दागता है। ऐसे हमलों से निपटना सेना को खूब आता है और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि भारत के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आतंकवाद से निजात मिलकर रहेगा, रक्षा मंत्री। और मैं तो यह मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां पर भी आतंकवादी वारदात हुई, जिस तरीके से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एकजुट हो रही है या एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आतंकवाद से यहाँ पर कश्मीर को निजात मिलेगा, जम्मू को निजात मिलेगा, वहीं पर सारी दुनिया को भी निजात मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास। भारत की युद्ध नीति से लेकर रणनीति, रणनीति से लेकर कूटनीति ने आज पाकिस्तान को उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ वो अकेला खड़ा है अपने आतंकी चरित्र और धोखेबाजी के चेहरे के साथ। पाकिस्तान न तो अपने घर में पालतू आतंकियों को बचा पा रहा है, न दुनिया भर में अपनी इज्जत। हिस्टोरिकली बर्डन्ड बाय इट्स ओन इनएडिक्वेसीज, इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज, पाकिस्तान आर्मी टाइम एंड अगेन रिजॉर्ट्स टू मिसएडवेंचर्स, आइदर थ्रू द फ्लॉड एंड ब्लडी प्रॉक्सी वॉर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और इंट्रूजन्स इन आवर कंट्री। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज स्टैंड रेजोल्यूट एंड रेडी टू डिफेंड आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। And let there be no doubt that any misadventure will be repelled with a very punitive response. सबसे भारी दबाव पड़ा है जब बालाकोट में पाकिस्तान के ऊपर भारतीय वायुसेना ने करारा पलटवार किया, और तब से दुनिया को फिक्र पड़ गई है कि साहब दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में युद्ध हो सकता है टेररिज्म को लेकर, कि अब भारत जो है इसे चुपचाप सहने वाला नहीं है। जंग के मैदान में पाकिस्तान जितनी बार आया उतनी बार उसे भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली, लेकिन वो कभी यूएन में जाकर, कभी शिमला समझौते की आड़ में, कभी आगरा शिखर वार्ता का धोखा देकर कूटनीतिक बढ़त हासिल कर लेता था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कूटनीति का मसला, अब पाकिस्तानी फरेब के लिए कोई रहम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के हथौड़े से तिलमिलाया पाकिस्तान।
अदालत के फैसले से बिलबिलाया पाकिस्तान। Look at their prayer. They wanted acquittal. That's not been accepted. They wanted release. That's not been accepted. They wanted return. That has been rejected. And if they still want to claim victory, good luck. पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन लाया हिंदुस्तान। Court observes that Pakistan has not contested India's contention that Mr. Yadav was not informed of his rights under Article 36, paragraph 1B of the Convention. The court pronounced that Pakistan had breached relevant obligations under the Vienna Convention on Consular Relations. It did so by not notifying India without delay of the detention of Sri Yadav. हर शब्द भारत की विजय गाथा था, हर वाक्य पाकिस्तान की अपमान कथा। कहां तो पाकिस्तान ने सोचा था कि कुलभूषण के बहाने वो भारत को घेरेगा, खुद को पीड़ित दिखाकर दुनिया की सहानुभूति बटोरेगा। कहां हुआ ये कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में वो बेपर्दा हो गया। पाकिस्तान अपनी दलीलों के आंसू रोता रहा, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। आई डिक्लेयर द सिटिंग क्लोज। इंटरनेशनल कोर्ट के सामने हमारे वकील जो हैं अरी सालवे, उन्होंने केस बड़ी मजबूती से और बड़ी सावधानी से रखा, पेश किया। पाकिस्तान के जो वकील थे उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर दर्शाती थी कि उनके केस में कोई दम है ही नहीं, और वो घबराए हुए नज़र आते थे। उनका जो सबूत थे, सबूत भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए। जो वीडियो कन्फेशन दिखाना चाहते थे, वो साफ तौर पर लगता था कि बैडली डॉक्टर्ड हैं। 16 देशों के जजों की जिस बेंच ने फैसला भारत के पक्ष में सुनाया, उसमें से 15 देशों के जज भारत के साथ खड़े थे। जो एक जज भारत के खिलाफ गया, वो अकेला पाकिस्तानी जज था। भारत के हाथों मिली यह करारी हार पाकिस्तानी बेइज्जती तो थी ही, लेकिन उसे सबसे बड़ा सदमा इस बात का लगा होगा कि भारत का साथ देने वाले 15 जजों में से एक जज चीन का भी था। वो चीन जिसके हाथों पाकिस्तान ने अपनी आत्मा गिरवी रखी हुई है। पाकिस्तान की चीनी गुलामी मोदी नीति के आगे कहीं नहीं ठहरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कूटनीति का जीत है। विपक्ष ने कई बार हल्की बातें की मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया, और कुलभूषण जाधव के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सच को जान गया, और उसी कूटनीति के कारण अभिनंदन का को भी वापस करना पड़ा था। उसी कूटनीति की जीत के कारण आज हाफिज सईद को भी बंद करने का नाटक करना पड़ा, और पाकिस्तान सबक सीख लिया है। अगर आगे भी कुछ करेगा तो बालाकोट का एयर स्ट्राइक उसे याद होगा। जो पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को तत्काल फांसी देना चाहता था, उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा दी है। जो पाकिस्तान कुलभूषण की मां और पत्नी के उनसे मिलने पर मंगलसूत्र और बिंदी तक उतरवा देता था, उसे अब काउंसलर एक्सेस देने का हुक्म मिला है। जो पाकिस्तान सैन्य अदालत को सर्वोपरि माने बैठा था, उसके फैसले को दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने रद्दी की टोकरी में डालने का फरमान सुनाया है। फैसले में क्या लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, हम अंग्रेजी समझते हैं, इतनी जो आईसीजे की है, और जिसको अंग्रेजी समझे उसको ये मालूम है कि आईसीजे ने क्या कहा है। उन्होंने अव्वल तो उनकी जितनी दलीलें थी ज्यूरिसडिक्शन पे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो गाली गलौज की थी, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, वो सब खारिज हो गए। दुनिया के सामने भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान अपनी झेप मिटाने के लिए कुतर्क गढ़ रहा है, फर्जी दलीलें दे रहा है, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया है कि कुलभूषण जाधव के मामले पर वो तब तक सांस नहीं लेगा जब तक उनकी रिहाई ना हो जाए। इमरान सरकार के लिए यह मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी चुनौती है। वी वंस अगेन कॉल अपॉन पाकिस्तान टू रिलीज एंड रिपैट्रिएट हिम फॉरथविथ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द हाउस विल जॉइन मी in expressing its strongest solidarity with Sri Yadav's family. They have shown exemplary courage in difficult circumstances.
I can assure that the government will vigorously continue its efforts to ensure Shri Jadhav's safety and well-being as well as his early return to India. हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के बयान में आत्मविश्वास झलक रहा है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बयान का एक्सटेंशन है जो उन्होंने जाधव के फैसले के बाद ट्वीट किया था। सत्य और न्याय की जीत हुई। मुझे विश्वास है कि कुलभूषण जाधव के साथ इंसाफ होगा। हमारी सरकार हर भारतीय की सुरक्षा और भलाई के लिए हमेशा काम करती रहेगी। पहले इंटरनेशनल कोर्ट से मिला झटका और फिर मोदी सरकार की तरफ से कुलभूषण को लेकर दिखाई जा रही लगातार गंभीरता पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई। वो किसी भी तरह से अपनी बेइज्जती के दाग छुपाने की कोशिशों में लग गया। इंडिया की बुनियादी तौर पर अपनी प्रे में 5 पॉइंट थे। अच्छा, पहला था कि मिलिट्री कोर्ट की सजा को बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए, तो ये भी उनकी जो प्रे थी इसको रिजेक्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। दूसरा था कि मिलिट्री कोर्ट की सजा को ख़त्म किया जाए, तो मिलिट्री कोर्ट की सजा को सेट असाइड ICJ ने नहीं किया। तीसरा था कि कुलभूषण को रहा किया जाए और इसको इंडिया भेजा जाए, तो ICJ ने उनकी ये जो प्रे थी ये भी रिजेक्ट की। आखिर पर उन्होंने कहा जी कि अगर रहा ना किया जाए तो मिलिट्री कोर्ट की सजा को ख़त्म किया जाए और सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और कौंसलर एक्सेस भी दी जाए, और ये भी कहा कि अगर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन मिली तो इट विल बी इनएडिक्वेट। तो रहा तो नहीं किया, ना ही मिलिट्री कोर्ट के फैसले को उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया, बल्कि जो उनकी प्रे थी कि इसको रिव्यू एंड रिकंसिडर किया जाए। तो ये तो जब आप इतने बड़े कोर्ट में जाते हैं और वहां पे गए हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट का तस्वर नहीं है और उसको खत्म नहीं किया, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जिसको ये खुद भी इनएडिक्वेट कह रहे थे और वो अदालत ने जो दिया है उसमें भी जो बेस्ट पार्ट है जिससे पाकिस्तान की अदलिया का सिस्टम वैलिडेट होता है, उन्होंने कहा जी कि रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन टू द मीन्स ऑफ पाकिस्तान्स ओन चूजिंग, कि पाकिस्तान इसको जिस तरीके से भी चाहता है इसको रिव्यू और रिकंसिडर कर सकता है। पाकिस्तान की समस्या यही है कि वो वक्त के आईने में अपना हारा हुआ चेहरा देखकर भी सबक नहीं लेता। वो आंखें बंद कर लेता है और अपने मुंह को खोलकर झूठ और सिर्फ झूठ के सहारे अपने वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी विरासत में मिली झूठ की टोकरी को सर पर रख लिया है और हार को अपनी जीत बताकर खुद को और अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया। वो पाकिस्तान की जनता के खिलाफ अपराधों का गुनहगार है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगा। जबकि सच्चाई ये है कि पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान अब कुलभूषण पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हजार बार सोचेगा। कुलभूषण जाधव पर एक गलत फैसला उसे वहां पहुंचा सकता है जहां से उसे वापसी का कोई रास्ता न मिले। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन का दोषी करार दिया। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान को भारत की मार पड़ती है तब तब वो सरहद पर हरकत करता है। उसके पास यही एकमात्र तरीका बचता है कि अपनी कमजोरी को किसी तरीके से छुपा सके। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई तो अपनी खीज मिटाने के लिए पाकिस्तान फिर से पुरानी हरकत पर उतर आया, लेकिन इस बार इसके लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार था। पिट गया तो बौखला गया पाकिस्तान, बेइज्जती के थप्पड़ से तिलमिला गया पाकिस्तान, करगिल विजय दिवस की दस्तक से पगला गया पाकिस्तान। ये निशान, ये धमाके और ये मोर्टार शेल पाकिस्तान की खिसियाहट के ताजा सबूत हैं। सरहद पर बेवजह की ऐसी हरकतों से अपने टूटे सम्मान को सांत्वना देने की ये उसकी कोशिशों की एक और तस्वीर। हमारे को बहुत डर लगता है, हमारे DC साहब ने मोर्चे दिए हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। जब शालिंग आती है बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए, हम फिर अंदर घुस जाते हैं, उन तो हमारे लिए आगे मोर्चे, तो फिर शालिंग जब आती है फिर हम मोर्चों के अंदर छुप जाएंगे। और लोगों को इतनी समस्या थी कि लोग अपने घर को छोड़ के और मजबूर हो जाते थे कि यहाँ से जैसे फायरिंग होगी तो कई बार तो लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते थे और जल्दी से भाग लेते थे। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान के चेहरे से मानवतावादी होने का झूठा नकाब खींचकर असलियत दुनिया के सामने रखी।
उसके पास मन मसोस कर रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और अब तो 26 जुलाई भी करीब है, यानी ऐतिहासिक बेइज्जती की क्लासिक तारीख, वो तारीख जो दर्ज है भारत के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के नाम से। इस साल हम कारगिल की विजय की 20वीं एनिवर्सरी को मना रहे हैं, जबकि हमारे बहादुर जवानों ने लद्दाख के जो ऊंचाई पहाड़ियां थी उसके ऊपर से दुश्मन को हमने उठाकर बाहर फेंक दिया था। एक तो इंटरनेशनल बेइज्जती, दूसरे कारगिल विजय दिवस पर भारत का जश्न, यानी पाकिस्तान के लिए दोहरी बेइज्जती। शेलिंग और अकारण की गोलीबारी से वो सिर्फ अपने आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम भारत से नहीं डरते। ताजा हिमाकत में उसने इस बार नौशेरा सेक्टर में सरहद से लगे स्थानीय लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारत का भी फुल प्रूफ अंडरग्राउंड प्लान तैयार है। सीमाओं पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसे मजबूत बंकरों का जाल बिछाया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए लगभग अभेद्य हो जाएगा। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और शेलिंग हो लोग इन बंकरों में आकर शरण ले सके, अपनी जान बचा सके। इस समय बिल्कुल मैं प्रवेश द्वार के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरा कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूत बंकर बनाया गया है और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है सामग्री यूज़ की गई है, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है, सरिया, बिल्कुल कंक्रीट बंकर बनाया गया है ताकि कभी भी पाकिस्तान अगर दुस्साहस करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इससे पहले जो बंकर हुआ करते थे वो मिट्टी या पत्थरों के टुकड़े से बनाए जाते थे। जून 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता बंकर नए सिरे से बनवाने का आदेश दिया। इन बंकरों में सुरक्षा के अलावा लंबे समय रहने के लिए जरूरी सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर 13,029 एकल और 1,431 सामुदायिक बंकर बनाए जा रहे हैं। मार्च 2019 में राजौरी और पुंछ में 400 अतिरिक्त बंकरों को मंजूरी दी गई। इन बंकरों से टकराकर पाकिस्तान की अंतिम दुस्साहसी उम्मीदें भी चकनाचूर होना तय है। पहले तो यहाँ बहुत बड़ी हमारे को समस्या आती थी क्योंकि जब फायरिंग आती है तो हमारे को गर्म मवेशी ये बहुत सब कुछ छोड़ के जहाँ से कैंपों के बीच में जाना पड़ता था। सर बहुत शेलिंग होती थी इधर, हमें पढ़ाई की बहुत सुविधा कम थी और हमें गोलों की वजह से सर हमें कि स्कूल से मतलब कि छुट्टियाँ पड़ जाती थी। पहले आप अपनी जान कैसे बचाते थे जब फायरिंग होती थी? छप कर ऐसे कभी किधर कब के भागे दूसरे गाँव में निशाना से आगे ऐसे सर। यानी कि नौशेरा शहर तक आपको जाना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रयोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत से लात पड़ी। The court unanimously found that it had jurisdiction on the matter and by a vote of 15-1 pronounced on other key aspects of the case. The sole dissenting judge was from Pakistan. अपने घर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जो 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 नीति हमने अपनाई है उस नीति का दबाव पाकिस्तान पर है। अगर उसने कुछ किया भी है तो दबाव में आकर के किया है, कोई नीयत से दिल से उसने ऐसा नहीं किया है, तो मुझे अभी भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर। पाकिस्तान और इमरान खान को आतंक और आतंकवादियों पर सिर्फ दिखावे का नाटक नहीं करना होगा बल्कि उनको सजा दिलाना पड़ेगा। खालिस्तानी फितूर के मामले में बेलिबास हुआ ये जो गोपाल सिंह चावला और उनके अमेरी सिंह और ये जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं, ये भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं पाकिस्तान के मीटिंग्स में। पाकिस्तान स्वीकारेगा नहीं, लेकिन ये तो उसे भी पता है कि उसके आतंक का खेल अब अपने अंतिम चरण में है। बालाकोट के बाद उसने आतंकी कैंप्स को भारत से लगे बॉर्डर से पीछे हटा लिया है और उसके खौफ की सबसे बड़ी तस्वीर तो यह है कि हाफिज सईद जेल में है। इसमें पीएम मोदी की कूटनीति का इंटरनेशनल एंगल शामिल है। ये बगावत नहीं है, ये आजादी की तहरीक है। भारत की मार से बिगड़ा हाफिज का खेल। पाकिस्तान का लाडला आतंकी पहुंचा जेल।
द मोस्ट पेट्रियाटिक, अपनी जान पेश कर दी हुई है उन्होंने, इतनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए कश्मीर में, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे आर ग्रेट पीपल, अच्छे हैं। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। इंडिया उनको टेररिस्ट कहता है और दहशतगर्द कहता है, हम नहीं कहें, हम क्यों कह रहे हैं भाई? वो हाफिज सईद साहब यहाँ खुल के फिर रहे हैं पाकिस्तानी शहरी के ऊपर, बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है, ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? पाकिस्तान की जमहूरियत जिसके सजदे में झुकी रहती थी, पाकिस्तान की फौज जिसके सदके में सलाम भेजती थी, पाकिस्तानी सियासत जिसके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती थी, वो हाफिज इस वक्त जेल में है। जिस प्रकार से भारत ने कूटनीतिक प्रयास किए आतंकवाद के मामले में, दुनिया में जीरो टॉलरेंस की स्थिति जो भारत सरकार ने प्रस्तुत की और धमाके के साथ प्रस्तुत की, और भारत ने एक तरफ अपनी मजबूती की, दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रयास किए, कूटनीतिक प्रयासों से दुनिया को, मैं पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया, उसका ये प्रतिफल है। उसके पीछे सरकार का ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। मुझे लगता है ऐसे टेररिस्टों को सिखाने के लिए जो स्टार्टिंग हुआ है पुलवामा से, जो राज के बाद जो भी होंगे, मुझे लगता है हर स्टेप पे ये होना बहुत जरूरी है, जो पहले कभी दिखा गया नहीं। ताज्जुब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकारों और फौज की शह पर ही तो ये आतंकी खुलेआम जलसों में भारत विरोधी जहर उगला करता था। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। खुलेआम इस्लामाबाद से लेकर कराची तक भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काने वाली तकरीरें दिया करता था। कश्मीरी मुसलमानों की मदद अल्लाह के हुक्म से करके उनको आजाद करवाना है, ये एक खौफनाक जंग की तैयारी है। कश्मीर की आजादी इंशाअल्लाह इंडिया की बर्बादी की बुनियाद बनेगी। पाकिस्तान से काटने के लिए जो सूरत हाल पैदा की है, क्या हो रहा है यहाँ, कौन लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की तहरीकें उठ रही, इंडिया के एजेंट यहाँ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार हर बार सबूतों का हवाला देकर हाफिज की खिदमत में लगी रहती थी। दिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि दिल्ली मुस्लिम लीग को रजिस्टर करो, और तो उसको जो है वो अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर भी दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये हमें पता लग गया है कि यहाँ पे सईद साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई माई कलाल, जब तक हम असेंबली में और तरीके इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमे हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। बात भारत के खिलाफ जहर उगलने की थी, लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत गूंगी बहरी बन जाती थी, लेकिन इस बार भारत सरकार की तगड़ी नीति ने पाकिस्तान को इतना बेबस कर दिया है कि उसे न चाहते हुए भी हाफिज सईद को जेल में डालना पड़ा। आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। हाफिज सईद कोट लखपत की जेल में है, लेकिन पाकिस्तान की चालाकी यहां भी नजर आती है। हाफिज को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि टेरर फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि हाफिज सईद जेल में है। मेरे लिए भारत का बहुत भारी दबाव है। भारत ने दुनिया के कौन से पटल पर जो है, विश्व पटल पर इसको जाहिर किया है। हर कॉन्फ्रेंस में जहां मोदी जी जाते हैं वो पाकिस्तान की टेररिज्म का जिक्र करते हैं, दुनिया को आह्वान देते हैं कि मिलजुल कर टेररिज्म के खिलाफ एक्शन करने का वक्त आ गया है और हमको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए टेररिज्म को, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते, और इसके चलते दबाव पड़ा है, बहुत भारी दबाव पड़ा है। जानकारों का मानना है कि इमरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के लिए मिलना है। ट्रंप पहले ही आतंक पर मोदी नीति से प्रभावित हैं।
और पाकिस्तान को आतंक के नाम पर कई बार खुली चेतावनी दे चुके हैं। 10 साल की तलाश के बाद पाकिस्तान में मुंबई आतंकवादी हमलों के तथाकथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। उसे खोजने के लिए पिछले 2 सालों में बड़ा दबाव डाला गया है। अगर इसे पाकिस्तान का दिखावा भी माने तो इतना तो स्पष्ट है कि भारत के दबाव में ही पाकिस्तान को हाफिज सईद को गिरफ्तार करना पड़ा। पाकिस्तान्स सिंसियरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेरर ग्रुप्स विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डेमोंस्ट्रेट वेरीफायबल क्रेडिबल एंड इरिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट terror and terrorist groups operating from their soil and not on the basis of half-hearted measures you know sometimes which they undertake to hoodwink the international community 26/11 mein bombay mein aatanki hamla hua tha us saazish mein uska kya role hai uske bare mein bhi humne pakistan ko avgat kiya tha saboot pakistan ko bheje the itna hi nahi bombay ke court mein maine david hedley ki gawahi li thi david hedley ne hafiz saheed aur lashkar e taiba jamaat u taawa और आईएसआई की तार किस तरह से जुड़ी है इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया वो पाकिस्तान को भेज गया था उसके बावजूद पाकिस्तान उसकी क्या नहीं थी लेकिन आज उसको अटैक करना ये मानता हूं कि भारत सरकार की जो कूटनीति थी उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आज पाकिस्तान दुनिया को धोखा दे रहा है कि हमने उसे अरेस्ट किया हमें देखना यह है कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ किस तरह से सबूत कोर्ट में पेश करता है और किस तरह से उसको सजा होने के लिए एफर्ट्स करता है ये देखना जरूरी होगा नहीं तो मैं कहूंगा पाकिस्तान का एक आखिर एक ड्रामा है। भले पाकिस्तान दाने दाने के लिए लोगों के सामने मदद का कटोरा लेकर घूम रहा हो लेकिन आतंकवाद से वो बाज नहीं आता कम से कम इतनी आसानी से। जम्मू कश्मीर में भारत की नीतियों ने उसके आतंकी रास्ते तंग किए तो वो नया मोर्चा खोलने में जुट गया बरसों पुराना खालिस्तानी आतंकवाद का मोर्चा लेकिन मोदी 2.0 ने पहले ही कदम पर उसे यह बता दिया है कि होशियार हिंदुस्तान को उसकी हर कारिस्तानी का पता है अगर जरूरत पड़े तो सिख कौम हम तुम्हारी ईंट के साथ ईंट बजाएंगे और ये कलम ये हम उठा के फेंक देंगे और हम फिर ये उठाएंगे और तुम्हें वो जवाब देंगे कि नस्तो नाबूद हो जाओगे पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हमने उसकी आंखें निकाल देनी है पाकिस्तान जिंदाबाद चावला के दम पर आतंकी चाल चलना चाहता है पाकिस्तान हाफिज के चेले से मिलकर भारत को दहलाना चाहता है पाकिस्तान खालिस्तानी आतंक के नए मोर्चे पर भारत को उलझाना चाहता है पाकिस्तान लेकिन पूरी तरह चौकन्ना है हिंदुस्तान पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है जम्मू कश्मीर में वो आतंकवादियों को भेज रहा है अब उसने ये भी तय किया है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है जो सिखों का जो गुट है जो अलग खालिस्तान चाहता है भारत के टुकड़े करना चाहता है उसको भी बहुत पाकिस्तान हवा दे रहा है और ये जब करतारपुर कॉरिडोर नवंबर में खुलने वाला है तो भारत ने एक 23 पन्नों का एक डॉसियर पाकिस्तान को भेजा है जहां पर उसने प्रूफ के सहित दिया हुआ है ये जो हरकतें हैं पाकिस्तान को ये तुरंत बंद करनी पड़ेगी इसके लिए ये डॉसियर भेजा है अगर ये चीज़ें हरकतें बंद नहीं की तो हम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं नामोनिशान मिटाएंगे खालिस्तान मूवमेंट भी बहुत जल्दी पूरे जड़ से खत्म हो जाए पाकिस्तान इस तरह का दिखावा देख के पूरे विश्व को दिखाना चाहता है कि वो सद्भावना रखता है हिंदुस्तान की तरफ दूसरा इस माध्यम से वो अपना जो आइसोलेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको ख़त्म करना चाहता है तीसरी बात है कि जो यहाँ से पिलग्रिम जाएंगे उसको वो रेडिकलाइज करेगा उसको वो प्रो पाकिस्तान बनाने प्रो खालिस्तान फोर्सेस के लिए बनाने के लिए उस पर उनको भड़काएगा मोदी 2.0 में पाकिस्तानी आतंक के रास्ते तंग हुए तो पाकिस्तान तंग दिल्ली पर उतर आया उसका कश्मीर प्लान बुरी तरह पिटा तो उसने दशकों पुराने खालिस्तानी आतंक को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया और पाकिस्तान की कुटिलता देखिए कि उसने इसके लिए सिख श्रद्धालुओं की श्रद्धा को निशाना बनाया लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में ज्यादा आगे बढ़ पाता इससे पहले कि आतंक के बारूद की खेप पंजाब को झुलसा पाती
हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हुई मीटिंग में पाकिस्तान को 23 पन्नों का डॉसियर सौंपा है। हर पन्ने पर खालिस्तानी आतंकवाद के गुनहगारों की तस्वीरें हैं। हर पन्ने पर पाकिस्तानी साजिशों का खुलासा है। हर पन्ने पर खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देते पाकिस्तान के खिलाफ सबूत हैं। पाकिस्तान क्योंकि इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मालूम नहीं है। ये सब चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं ये पाकिस्तान के समर्थन से होती हैं, ISI के समर्थन से होती हैं। पर भारत ने अपना स्टैंड जो खालिस्तान इशू के ऊपर भी स्पष्ट करके एविडेंस के साथ डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है, जो पाकिस्तान को उसके ऊपर में एक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकी DNA को मोदी की पाकिस्तान नीति ने अच्छी तरह समझा है और यही वजह है कि भारत सरकार की पैनी नजर पाकिस्तानी हरकतों पर बनी रहती है। खालिस्तानी आतंक पर सरकार उसे शुरू में ही बेनकाब कर चुकी है। पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से अंतिम चेतावनी ही समझे तो बेहतर। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जिस मकड़ जाल में उलझ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी संरचना अलग अलग मंचों से अलग अलग देशों के साथ मिलकर तैयार की है। कभी दोस्ती का हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया था, अब उसे पहचानने के बाद भारत जानता है पाकिस्तान को सुधारने का रास्ता नरमी से निकलेगा ही नहीं। भारत और किर्गिज रिपब्लिक जैसे लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। अभी पिछले महीने जिस वक्त किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी चरित्र की परिभाषा में पाकिस्तान को फिट किया, उससे कुछ ही देर पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से हर मुद्दे पर बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। उससे भी पहले वो कई खत लिखकर मिलने की पेशकश कर चुके थे। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल। लेकिन बात तो दूर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक नजर देखा तक नहीं, औपचारिक शिष्टाचार की रस्म अदायगी भी नहीं। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कई मौके दिए, लेकिन एक के बाद एक हुए आतंकवादी हमले ने उनके सब्र के बांध को तोड़ दिया। फिर अमल में आई वो मोदी नीति जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक के लिहाज से पाकिस्तान को एक्सपोज करने का ही नतीजा है कि पाकिस्तान आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्था की ग्रे लिस्ट में है। 26/11 में बम्बई में आतंकी हमला हुआ था, उस साजिश में उसका क्या रोल है उसके बारे में भी हमने पाकिस्तान को अवगत किया था, सबूत पाकिस्तान को भेजे थे। इतना ही नहीं, बम्बई के कोर्ट में मैंने डेविड हेडली की गवाही ली थी। डेविड हेडली ने हाफिज सईद और लश्कर तैयबा जमात उमा तावा और ISI की तार किस तरह से जुड़ी है इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया, वो पाकिस्तान को भेज गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान उसकी क्या नहीं थी, लेकिन आज उसको अटैक करना, ये मानता हूं कि भारत सरकार की जो कूटनीति थी उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आज पाकिस्तान दुनिया को धोखा दे रहा है कि हमने उसे अरेस्ट किया। हमें देखना यह है कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ किस तरह से सबूत कोर्ट में पेश करता है और किस तरह से उसको सजा होने के लिए एफर्ट्स करता है, यह देखना जरूरी होगा। नहीं तो मैं कहूंगा पाकिस्तान का एक आखिर एक ड्रामा है कि चलिए कुछ तो किया उन्होंने। अब हम आग्रह करेंगे इमरान सरकार से, पाकिस्तान सरकार से, कि न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया जाए,
ईमानदारी के साथ में एक मुलजिम की तरह उसे रखा जाए, उसे ऐश व आराम मुहैया न किए जाए, और साथ ही साथ उस पर जो गुनाह जो गंभीर स्वरूप के विश्व लेवल पर जो आरोप हैं टेररिज्म के, इंटरनेशनल टेररिज्म के, उसकी सख्ती से कार्रवाई चलाई जाए, मुकदमा से गंभीरता से चलाया जाए, शिक्षा दी जाए, ताकि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और देश विश्व के देशों के साथ मिला हुआ है। ये बात फॉरेन एक्शन फंडिंग टास्क फोर्स है, उसने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, पर पाकिस्तान ने अभी तक ना तो टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाई है, ना ही कोई एक्शन किया है। धीरे धीरे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब एक बार फिर से जो मीटिंग हुई थी FATF की, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, और जो पॉइंट्स तकरीबन 25 पॉइंट है जिनके ऊपर कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान को करना है, उसके ऊपर में अल्टीमेटम दिया है। कोई डेडलाइन अभी फिक्स नहीं करी गई है, पर फिर भी एक जो वार्निंग है, एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनेगा टेररिज्म को कंट्रोल करने का, उनकी फंडिंग कंट्रोल करके, नहीं तो पाकिस्तान एक ना एक दिन जरूर ये FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिससे उसके लिए फाइनेंशियल एड हर तरह की कहीं से बंद हो जाए। जो इक्का दुक्का देश उसके साथ खड़े नजर भी आए, वो भी धीरे धीरे उसकी उंगली छोड़ने लगे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक भारत की दोस्ती की पीठ में फरेब का खंजर ही भोंका था, लेकिन जब से भारत ने दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करना शुरू किया है, उसका वजूद हिल गया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।